हेलो एवरीवन, दिस इज़ अंकिता शुक्ला। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। एंड वीडियो स्टार्ट करने के पहले आज हम कर लेते हैं कुछ प्रमोशन, थोड़ा बहुत छोटा मोटा। सो ये है पीवाई की सीरीज़ के नोट्स जो कि फ्रीली अवेलेबल हैं मेरे टेलीग्राम चैनल पे। तो अगर आपको हिंदी के डिजिटल नोट्स चाहिए हो तो आप वो प्राइवेट चैनल है मेरा टेलीग्राम का, उसको ज्वाइन कर सकते हैं। पिंड कॉमेंट में आपको लिंक मिल जाएगा और उस चैनल पर जाके आप फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं और पढ़ सकते हैं। सो ये तो हो गया पीवाई की सीरीज़ का प्रमोशन। एंड सेकेंड चीज़ ये है कि मैंने पहला अपना स्टडी ब्लॉग डाला है, तो अगर किसी को मन हो फ्री टाइम में देखने का तो आप देख लेना। ऐसा कुछ कंपलसरी नहीं है, है ना? मतलब कंपलसरी तो वैसे भी नहीं होता है। चलिए ठीक है, अब वो करते हैं अपना मॉक सॉल्व। ठीक है। ओके वन टू थ्री स्टार्ट। ओके 0 0 नीचे है 90 डिग्री से ऊपर जाएगा। एक्स यहाँ से गया, फोर्स इंच इधर आ जाएगा। ओके स्पीड परसेंट ऊपर गया, बी ऊपर जाएगा, बी ऊपर जाएगा। सेकंड इंग्लिश कैसे खुल गया, हिंदी नहीं। फो इसमें होगा। ओके सीधा बॉक्स ऐसा वाला, ऐसा 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 ऐसा। इसमें सीधी लाइन तो कहीं नहीं है, नहीं है। ये 1 4 टाइम बहुत जा रहा है। सभी क्राउड ट्रूप हैं, कुछ क्राउड मॉब है, कुछ क्राउड जो है वो मॉब है, कुछ मॉब बंच है, कुछ मॉब जो है वो बंच है। सो क्या पता करना है, कुछ ट्रूप मॉब है, कुछ ट्रूप जो है वो मॉब है। हाँ जी हैं, सभी क्राउड के बंच होने की संभावना है, सभी क्राउड के बंच होने की संभावना है। हाँ संभावना तो है, तो दोनों आंसर करते हैं। DUFWIZ ओके OR एंड QT OPQR QRST DUVW DUVW DEFGHI DEFGHI QOPQRST ओके M N O D E F N Q R S T U V U V W X Y Z C D E A B C E F G H I J T U V W X Y कुछ टेबल चेयर हैं, कुछ टेबल जो हैं वो चेयर हैं, कुछ चेयर जो हैं वो सोफा है, कोई सोफा जो है वो बेड नहीं है। ओके तो क्या निकाला, कुछ चेयर बेड नहीं है, कुछ चेयर जो है वो बेड नहीं है। हाँ नहीं है ये वाली। एंड कुछ सभी चेयर बेड हैं, सभी चेयर बेड हैं नहीं हो सकती। हाँ कुछ टेबल बेड नहीं है, कुछ टेबल जो है वो बेड नहीं है, ऐसा कुछ फिक्स नहीं है। सो केवल एक आंसर करता है। पी एट द रेट क्यू, पी क्यू का भाई है, पी जो है वो भाई हो जाएगा क्यू का। क्यू एम्परसेंट आर, क्यू आर का पुत्र है, क्यू आर का पुत्र है। आर हैश एस, आर एस की पत्नी है, आर पत्नी हो जाएगी एस की। एंड एस एन टी, एस टी का पिता है, एस जो है वो टी का पिता है। तो इन एस एन टी, एस टी का पिता है, एस पी टी का पिता है। टी हैश यू, टी यू की पत्नी है, टी पत्नी हो जाएगी यू की। तो क्या यू पी से किस प्रकार, यू पी से किस प्रकार संबंधित, पी की बहन का यू पी ब्रदर इन लॉ निहित है। ओके सी वी बी, ओके सी वी बी ई, सी वी बी ई
एस बी नहीं यहाँ सी, यहाँ पे तो वी आएगा, तो वन बी स्पेस छोड़ के देन वी है, सी वी पी ई आर सी पी स्पेस वी ई सी पी स्पेस वी ई सी वी स्पेस वी ई सी सी वी बी ई एस सी वी बी ई आर सी वी बी ई एस नहीं आर सी वी बी ई आर हाँ ठीक है, एक समान दिन है। ओके थर्ड वन, ये ज़्यादा एरिया कवर कर रही है शायद। हाँ ए एम बी एन एम एन ए बी एन ओ, ओके ए दो छोड़ के बी, दो छोड़ के सी, सी से स्टार्ट होना चाहिए, नहीं है बी सी होना चाहिए, अच्छा नहीं सी सेकंड नंबर पे आना चाहिए, ये रहा एस दो छोड़ के टी यू हाँ देन वी एन डब्ल्यू एन एक्स हाँ ओके 36 सी का मतलब इनटू है टू टू बी 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 प्लस है एक्स ए वाई 6 एंड डी माइनस है 29 इक्वल टू 46 तो समथिंग जो 6 से डिवाइड हो जाए, तो ये तो 18 ही है, देखिए देख लेते हैं एक बार, 18 रख देते हैं, 6 6 3 18 तो 36 72 यहाँ पे क्या था प्लस था ना प्लस 3 75 एंड डी का मतलब माइनस है तो -29 चार हाँ सही है 18 ओके ये यहाँ से ऐसे 90 डिग्री घूमा यहाँ पे गया फिर 90 डिग्री घूमा और इधर की ओर आ गया फिर 90 डिग्री घूमेगा और इधर आ गया एंड देन 90 डिग्री घूमेगा और इधर आएगा सो आएगा तो इस कोने में और सीधा आएगा हाँ जी सही नीचे इधर गया देन ऊपर गया देन इधर गया नीचे आएगा और हाँ तो इसका फोर्थ वन हो जाएगा सेंटर पे जाएगा ना हाँ सेंटर पे जाएगा इसका आंसर टू होना चाहिए क्योंकि यहाँ से आके सेंटर में जाती हैं चीज़ें नहीं नहीं लेकिन ये टू हाँ ये वाला होगा एक चीज चेक कर लेते क्या कर रही मैं पता नहीं चलो रिव्यू पे रखते हैं बैकड्रॉप सॉरी बैकड्राफ्ट बी और टी चेंज हो गया है ए सी चेंज हुआ है डी के चेंज हो गया है आर ए एफ चेंज हो ओके ए के चेंज हुआ है क्यू यू तो एच ई से स्टार्ट होगा एच पे फिनिश होगा ये या फिर ये देन जेड आई वाई पी ये वाला खत्म द टेस्ट ऑफ इंडिया मून टेस्ट ऑफ थंडर थम्सअप या कोका कोला आई थिंक थम्सअप 63 81 126 9 63 67 9 स्क्वायर 9 to 9 एंड 9 91 9 एंड 3 9 64 हाँ 49 126 इंटू 9 यहाँ पे 11 77 11 99 एंड 11 14 14 9 and 7 ओके ये वाले कॉमन है समथिंग इनटू 7 तो 7 बना 35 9 फिर 5 5 45 ये गलत हो जाएगा 112 7 7 हाँ जी हाँ जी हाँ जी ठीक है 16 हो जाएगा ना हाँ ठीक 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 मिठाई आइसक्रीम आइसक्रीम मिठाई एंड भोजन पानी
डेजर्ट आइसक्रीम जॉब आवर्स फूड वाटर एग्जामिनेशन पास म्यूजिक ट्यून फूड वाटर ट्यून जो होती है वो एक म्यूजिक होता है. ठीक है ठीक है. फॉर्चुनेट फॉरवर्ड इस पर द ऑर्डर तो 4 या 3 में से पहले आ जाएगा. फॉर्ट्रेस फॉर्टिट्यूड i3 पहले आ जाएगा देन 4 आ जाएगा. 5 और 1 में से पहले फॉर्च्यू t5 आएगा देन 1 एंड देन 2 फॉरवर्ड लास्ट में 2. HGF ओके GEFGE ओके 7 14 7 21 7 28 E28 ओके EFGH IJK LMN N 4 2 6 2 8 2 10 दोबारा 56 क्वेश्चन. अच्छा बदलना है तो 4 56/4 +64 16 64 प्लस 64 की जगह पे 56 लिख देंगे. 12 84 24 एंड 6 6 12 5 1 6 -87 तो माइनस में आएगा ही होगा ही नहीं. देन 56/7 7 8 56 +64 -12 44 तो 14 में 8 गया 6 एंड 5 4 गए 1 8 6 14 24 सही हो जाएगा ये वाला. 133 क्या है बस 84 12 53 होता है 17 अच्छा 2 1 3 8 5 13 टोटल है 4 1 5 8 से ज्यादा ओके 6 1 7 4 1 5 5 8 से ज्यादा हाँ ठीक है. 64 818 तो 8 स्क्वायर 10 स्क्वायर एंड अच्छा 10 8 18 5 स्क्वायर 4 स्क्वायर 5 8 9 4 स्क्वायर 8 स्क्वायर 8 4 12 9 स्क्वायर 3 स्क्वायर 9 3 12 ये गलत है. 7 2 14 1 15 15 2 30 31 2 7 14 2 6 12 1 13 134 +5 सॉरी +4 तो 1 + 2 15 2 30 तो 32 2 फिर 3 हाँ 3 2 4 3 7 हाँ. सम पीपल आर स्टैंडिंग कुछ व्यक्ति एक रेखीय पंक्ति में दक्षिण की ओर मुखरित होकर खड़े हैं. नवीन पंक्ति के बाएं अंत से 15वें स्थान पर खड़ा है. दाएं अंत से 22वें स्थान ओके 5 और 15 और 22 5 2 7 2 1 3 37 में एक जाएगा 36 पंक्ति में हाँ हाँ ठीक है. सी सॉल्ट मैंगो सी में सॉल्ट मिलता है तो मैंगो में पल्प मिलेगा फ्रूट मैंगो फ्रूट होता है सी सॉल्ट मैंगो में पल्प मिलेगा. 25 जून को गुरुवार था तो समान वर्ष के 13 दिसंबर को कौन सा ओके 25 जून को गुरुवार था तो जून से जुलाई जून होता है 30 दिन का 30 डेज जन 25 जुलाई से 25 अगस्त 31 डेज एंड अगस्त से सितंबर भी 31 डेज देन 30 डेज अगस्त से सितंबर सितंबर से अक्टूबर एंड अक्टूबर टू नवंबर एंड नवंबर टू दिसंबर कितने हो जाएंगे 25 और 5 और 3 8 18 डेज ये वाले. 7 28 +2 यहाँ पे +2 +3 +3 +2 +3 +18 3 3 6 4 10 3 13 और यहाँ पे 18 में से 7 7 4 7 2 14 4 बचे ना 4 12 22 7 7 14 7 7 3 21 +1 शुक्रवार तो है भी नहीं कुछ गड़बड़ हो गया इसमें अभी. 3 3 6 3 9 4 13 अच्छा 31 4 4 से 28 +3 33 31 गुरुवार थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे आई थिंक संडे होगा माफ रिव्यू रखते हैं. ब्रिटिश कोलंबिया विश्वविद्यालय में नील और किस वर्ष में नोबल गैस की प्रतिक्रिया का अवलोकन की ओके जी यस आ गई आज ज़्यादा टाइम चला गया. संविधान का भाग 10 18
इमरजेंसी, नेटरलक शाकी पौधा है जो जंगलों में उगता है, बिच्छू मोटी नेटर, इसकी पत्तियों में चुभने वाला दंशन रेशे होते हैं जिसे गलती से छूने पर दर्द होता है, यह इसके कारण। यूट्रिक एसिड, एसिटिक एसिड, मेथनोइक एसिड, फॉर्मिक एसिड होगा क्योंकि इस तरह से पौधों में और उसमें फॉर्मिक एसिड ही होता है, मेथनोइक एसिड। चींटी के डंक में भी तो होता है, तब भी तो जलन होती है। अनुमोदित कुल वित्तीय विश्वकर्मा योजना, नहीं आता, नहीं करेंगे। कौन सा अनुक्रम सही है? एंगस्ट्रॉम, माइक्रोमीटर, नैनोमीटर, फर्मी। माइक्रोमीटर, नैनोमीटर, एंगस्ट्रॉम, फर्मी। ओके, एंगस्ट्रॉम तो छोटा होगा और माइक्रोमीटर नैनोमीटर एक साथ ही आएंगे, माइक्रो सबसे बड़ा होगा फिर, ये दोनों एंड नैनोमीटर एक साथ आएंगे, देन एंगस्ट्रॉम, फर्मी सबसे छोटा। हाँ ठीक है। राउरकेला स्टील प्लांट की स्थापना से सहयोग से उड़ीसा के सुंदरगढ़ जिले में की। क्या राउरकेला? जर्मनी, 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 राउरकेला, हाँ जर्मनी। कीर्ति वर्मन टू चालुक्य शासकों का अंतिम शासक था, वह द्वारा पराजित हुआ था, वह दंती दुर्ग द्वारा पराजित हुआ। हाँ कीर्ति वर्मन चालु, हाँ दंती दुर्ग द्वारा पराजित हुआ था। किसने भारतीय दर्शन शास्त्र की न्याय विचारधारा की स्थापना की थी? इंडियन फिलोसफी, न्याय स्कूल, कपिल मुनि। ओके, वो वाला कणाद, एटॉमिक थ्योरी, पतंजलि योग थे, कपिल या गौतम, और कपिल का कुछ और था, वो गौतम मुनि थे ये न्याय वाले। अरे इनका तो याद नहीं आ रहा, छोड़ो। ओके, ऑस्ट्रेलिया डाउन, C4, 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 ऑस्ट्रेलिया डाउन है तो उसमें डाउन्स एंड नॉर्थ अमेरिका के प्रेरी तो होते ही हैं, नहीं नॉर्थ अमेरिका के प्रेरी होते हैं, C2, एक सेकेंड, अच्छा D2, D2, हाँ सही तो है, क्या कर रही हूँ मैं। कराटे में निम्नलिखित में कौन सा प्रशिक्षण हॉल को संदर्भित करता है? डोजो, देशी, ओबी, गी, पता नहीं, मैंने तो सीखा है फिर भी नहीं पता। नहीं, मैंने कराटे नहीं सीखा, जूडो सीखा था। यदि किसी विधेयक में डैश के मामलों से संबंधित प्रावधान शामिल हैं तो उसे धन विधेयक माना जाता है। सरकार द्वारा धन की उधारी का विनियमन, करों का अधिरोपण अनुमोदन, भारत की संचित निधि में धन विनियोग, सभी तीनों धन से रिलेटेड हैं, तीनों धन विधेयक में आएंगे। इल्तुतमिश ने एकता, कौन सा कथन सही है? इल्तुतमिश ने एकता, सेना और मुद्रा प्रणाली जैसे प्रकार देने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। एकता तो इसी के टाइम का था, मतलब इसी, पता नहीं। इल्तुतमिश के सल्तनत में को उसके दो मुगलों से चिन टका और तामे, हाँ टका जीतल तो इसका ही था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने चालीसा का समूह दुर्ग स्थापना की, नहीं ये इल्तुतमिश ने की थी, सी रॉन्ग है, सही पूछना है ना, हाँ तो सी गलत है, ए और बी सही होगा। हाँ ठीक है। मूल्य उत्पादन व्यय विधि का सबसे सही रूप करता है, वहाँ ये इकोनॉमिक्स बहुत पूछ रहा है आजकल। उत्पादन प्रक्रिया में किए गए कारक भुगतानों के कुल धनराशि को मापना, सभी फर्मों द्वारा उत्पादित तैयार वस्तुओं और सेवाओं के कुल मूल्य को नापना, ये तो प्रोडक्शन से रिलेटेड है। कारक भुगतानों की कुल राशि, किए गए कारक भुगतानों कुल राशि को मापना, फर्मों द्वारा उत्पादित तैयार वस्तु और सेवाओं के लिए फर्म को प्राप्त होने वाले व्यय के कुल मूल्य को मापना, यही होगा क्योंकि व्यय विधि है, ये थोड़ा सा तुक्के में जाएगा। भारत सरकार द्वारा शुरू की गई मेरा बिल मेरा अधिकार योजना के तहत ड्रॉ के लिए विचार किए जाने वाले चालान का न्यूनतम मान रखा गया है, पता नहीं। कुतुबुल इस्लाम, कुवतुल इस्लाम मस्जिद किस शहर में स्थित है? दिल्ली, कुतुब मीनार के पास में। मौलिक कर्तव्य डैश हैं और विधि द्वारा लागू नहीं किया जा सकते, लेकिन उनके बारे में फैसला करते समय अदालत द्वारा इन्हें ध्यान में रखा जाता है। सामाजिक, असामाजिक, नियामक, सामान्य, रेगुलेटरी, नॉन स्ट्रेचरी, स्ट्रेचरी, संवैधानिक तो है ही है ना, कॉन्स्टिट्यूशनल है आई गेस, नियामक, रेगुलेटरी तो है नहीं और संवैधानिक है भी नहीं, सामाजिक है। अगस्त 2023 में नीति आयोग और डैश ने भारत में SDG स्थानीयकरण, डेटा संचालित निगरानी, आकांक्षी जिलों और ब्लॉकों
सहित कई क्षेत्रों पर सहयोग की रूपरेखा को औपचारिक रूप देने के लिए 5 वर्षों के वर्ष के समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। स्थानीयकरण एसडीजी है तो यूएन का हो सकता है, लेकिन यूनिसेफ स्थानीय, लेकिन वैसे ऐसे चीज़ों में एडीबी आता है, एशियन डेवलपमेंट बैंक। जी स्थानीयकरण, डेटा संचालित निगरानी, आकांक्षी जिलों, एशियन डेवलपमेंट तो उसमें काम करता है जैसे कोई इंफ्रास्ट्रक्चर है ना वाला। मैं यूनिसेफ कर दूँ, डेवलपमेंट पता नहीं यार, छोड़ो। फ्लोरा स्पार्क रासायनिक सूत्र में कौन सा कार्बन क्रिस्टलीय अपरूप का एक उदाहरण है? ग्रेफाइट, कोयला, हीरा, कोक। हीरा तो है सी, सी सिर्फ सी में, ए और सी, ग्रेफाइट एंड हीरा। कोयला और कोक तो हो ही नहीं सकते, हीरा फिक्स है, तो चलो ठीक है। पंडित कुमार गर्दभ थे, गिटार सिंगर है। जुंगू और दुआ की लोकप्रिय गीत परंपराएं हैं। जुंगू एंड दुआ, दुआ ये या तो सिक्किम होगा या उत्तराखंड होगा, क्योंकि ये दुआ और दून ये सारी चीज़ें आई थिंक उत्तराखंड, दून, हाँ दून, दुआ। सिक्किम भी हो सकता है, लेकिन मैं उत्तराखंड करूँगी क्योंकि उत्तराखंड में ही ऐसे वर्ड होते हैं। जितना सोच लूँ मैं कितने ही लगाऊँगी तुक्के, मेरे लगते ही। नौजवान भारत सभा डैश से संबंधित है, भगत सिंह। अच्छा ये क्वेश्चन आज इसलिए आया है क्योंकि आज है 23 मार्च, आज ही के दिन भगत सिंह जी को फांसी हुई थी शायद, हाँ। रॉलर एक्ट के संबंध में निम्न कौन सा कथन सही नहीं है? रॉलर एक्ट को लागू करने का उद्देश्य भारत के खिलाफ होने वाले विद्रोह और साजिश को समाप्त करना व रोकना था। रॉलर एक्ट को ब्लैक एक्ट भी कहा जाता है। यह ब्रिटिश सरकार द्वारा 1930 में पारित किया गया था। 1930 में नहीं आया था, ये 1919 में आया था, इसी के उसमें तो वो हो गया था जलियांवाला, हाँ। तो ये सही नहीं ना, हाँ। गिरफ्तार करने का अधिकार था, सोचने के संदेह, इसके अलावा एक हड़ताल का भी आयोजन किया गया, ये गलत है। गंगा नदी का उद्गम उत्तराखंड के गौमुख के निकट गंगोत्री यमुना से होता है, हाँ जी सत्य ढूंढने हैं। सबसे पश्चिमी और सबसे लंबी सहायक नदी है, दोनों सही हैं। कौन सी समिति केवल लोकसभा के सदस्यों से गठित की जाती है? दैट इज प्राक्कलन समिति। हो गया, आज कितने दिन किए हैं? ओके, 1 2 3 4 5 6, 6 नहीं किए मतलब 19 अटेम्प्ट किए हैं आज, हाँ फिर ठीक है। तो एक दो तुक्के भी हैं, अरे करें टाइम जा रहा है। 124 में MCF निकालना है, ओके पहले इसके वो निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले 4 3 12, 4 1 4, 4 3 12, 4 6 16, 4 4 लिखते जाए, 4 3 12, 4 6 28 एंड इन टू, फिर तीन ये तीनों 17, सिर्फ 4 से 4, फिर 2 से तो जाएंगे नहीं, हाँ ठीक है। HCF था ना, तो 4 हो जाएगा। प्रतीक ने 16,000 की पूंजी से एक व्यवसाय शुरू किया। 4 महीने बाद नीलम ने 12,000 की पूंजी से व्यवसाय शुरू किया। यदि 1 वर्ष के बाद प्राप्त कुल लाभ एक साथ प्रतीक और नीलम द्वारा निवेश की गई राशि का कुल भाग का 3/8 है, तो मतलब 16 ने जो है वो 12 महीने किया है एंड 12,000 का जो इन्वेस्टमेंट है वो 8 महीने चला है, तो 12 6 72, हाँ जी इतना हो गया है। तो ये जो 6 2 8 9 9 18 2 88 इनका इतना आ जाएगा एंड 6 2 8 1 1 2 28 का 3/8, 4 2 8 4 6 28, 7 1 21/2 जो है इनको लाभ मिल रहा है। तो 21/2 टोटल लाभ है, अगर इसको हम 288 रखेंगे तो हमें किसका निकालना, प्रतीक, प्रतीक का पहला वाला, तो मतलब 192 की वैल्यू निकालनी है। तो 8 2 16, 8 4 से काटते हैं, 4 6 16, 3 4 8 32, 4 7 28, 4 2 8, 2 3 6 2 6 12, 2 नहीं 12 6 72, 12 6 48, 2 2 4, 2 3 6, 3 7 21 एंड 2 और 2 कट जाएगा तो 7 आ जाएगा, तो 7,000 प्रतीक का हिस्सा। एक व्यक्ति ने 1 वर्ष के लिए 13% वार्षिक ब्याज दर पर साधारण ब्याज पर 3 रुपये के नीचे, वाह
91 13 दूनी 26 0 18 चौक 72 0 0 0 0 0 0 चार वर्ष। 9 cos स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 11, तो 9 दूनी 18 में अगर 7 एक 7 तो cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू अगर 2 कर दें और cot स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1, तो मतलब 45 पे आएगा आंसर। 45 यहाँ पे cos रूट 2 2 हो जाएगा। हाँ 45 सही है। कॉस स्क्वायर 24 प्लस कॉस स्क्वायर ओके 6 4 10 6 2 8 1 9 हाँ ठीक है। तो ये तो 1 हो जाएगा पहले दोनों मिला के, प्लस कॉस स्क्वायर कॉस स्क्वायर 10 कॉस स्क्वायर 56 10 स्क्वायर ओके कॉस 1 प्लस कॉट स्क्वायर था, तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर 56 इसको लिख देंगे। एंड ओके ये 10 90 प्लस थीटा है, और 10 90 प्लस थीटा होता है माइनस कॉट थीटा, तो माइनस कॉट स्क्वायर 56 आ जाएगा। तो इसके इसको काट देंगे, यहाँ पे 1 मिल जाएगा हमको, प्लस नहीं सॉरी यहाँ पे माइनस कॉट स्क्वायर 60। कॉट 60 कितना होता है 1/2, तो 1/√3/1/2 होता है ना, इसका स्क्वायर कर देंगे 1/4 आ जाएगा ना, तो 2 - 1/4 4 × 8 में 11 7/4 जो कि है ही नहीं ऑप्शन में, कुछ गड़बड़ हो गया कहीं पे। ये दोनों हो जाएंगे 1, ये कॉट स्क्वायर 60। अरे कॉट स्क्वायर 60 है तो यहाँ पे आ जाएगा 2। कॉट 60 कितना हो जाता है 1/√3, तो 1/3। क्या मैं क्या ही लगा रही थी मैं, 3 × 6 में 11 5/3। यदि त्रिभुज एबीसी में समरूप है, एबीसी पीक्यूआर समरूप है, एबी 9 है, पीक्यू 7.5 है, ओके एबीसी का परिमाप 24 है, पीक्यूआर का परिमाप कितना होगा, 9/24 इक्वल्स टू 7.5/x। एंड इसको हम लोग लिख देंगे, क्या लिख देंगे, 3 × 9 2.5 25 लिख देंगे, 3 3 8 24 25 8 200, तो 20 सेंटीमीटर। क्या संख्या है 45 80 63 एंड 1/2 समानुपात में है, 80/45 9 5 9 45 5 16 2 7 9 63 7 7 42 ये तो है, लेकिन उल्टी बीच में तो होंगे नहीं, नहीं है 45 और 80 तो है ही है। हाँ है, क्या करूँ मतलब, वैसे वाला तो नहीं, चार वाला पता नहीं। चलो यदि प्रत्येक गांव की जनसंख्या 48 लाख है, V1 और V3 पुरुष और महिला जनसंख्या के अनुपात 4:5 है, तो V3 ओके V1 में अच्छा टोटल पॉपुलेशन 25 ओके V1 और V3 निकाल लेना। हाँ तो 25.5 तो बच्चे हो गए, 48 में से माइनस कर देंगे, 5 7 5 गया 2 और 4 2 गया, 22.5 हो गए V1 में, एंड V2 में 48 में से 20 माइनस कर देंगे तो 28 आ जाएंगे V3 में। अब यहाँ पे इसमें V1 में पुरुष और महिला का 5 4 9 है, तो यहाँ पे हम 225 को 9 से डिवाइड करेंगे तो 25 नवैया होता है ना, 225 25 250 हाँ, और यहाँ पे 4 25 चौको 100 और 5 25 25 125 इतने हो गए। एंड हाँ एंड V1 और V3 में पुरुषों के ओके 3/4 4 3 7 7 4 28 तो 4 3 12 एंड 4 चौको 16, तो यहाँ पे 112 6 5 11 2 2 4 141 क्या निकालना है। V1 V3 में पुरुषों की संख्या 112 आ रही मेरी यहाँ पे, तो कुछ नहीं है क्या करें। अच्छा ये 22.5 है, ये 2.5 हो जाएगा, तो यहाँ पे 10 आने चाहिए ना, 25 चौको 100 10 12 10 22
मिस्टेक कर रही हूँ बहुत. रीना, लीना की आयु की से आधी, रीना इक्वल्स टू लीना बाई टू. 2 वर्ष पहले रीना और लीना की आयु, रीना -9 प्लस लीना -954 थी, और लीना की वर्तमान आयु की थी लीना. अरे क्या कर रहे हैं, आर प्लस एल इक्वल्स टू, इसमें 18 जुड़ जाएगा, 8 4 12, 5 1 6 7, एंड आर इक्वल्स टू 2x प्लस x3x, 3 2 6, 3 4 12 24. निकालनी किसकी है, लीना की. 24 वर्ष आ जाएगी. रिया लीना की आयु क्या थी, तो 24 आ गई, तो 12 में 4 गया, 8 7 में 6, 48 है. लीना की वर्तमान, लीना की आयु क्या थी ना, लीना की ज़्यादा है तो 48 लीना की होगी. ए प्लस सी इक्वल्स टू बी प्लस 4 इक्वल्स टू ए बी प्लस सी इक्वल्स टू बी प्लस 4. ओके, ए प्लस स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ऐसे तो नहीं हो रहा. वैल्यू पड़ेगा 1 2 1 2 1 3 -1, 2 -1 तब आ जाएगा. ए बी, ए और बी -1, बी सी, बी और सी -2, ए सी +1, टू ए सी, 2 1 2, वैल्यू पुटिंग से भी नहीं हो रहा. 4 1 5 3 2, 2 1 2 प्लस 3 1 3 प्लस 1 इक्वल्स टू 2 3 6, 3 2 5 1 6, हाँ ये वाला हो जाएगा. 2 3 1 रखने पे कर लेते हैं. ए की वैल्यू ए स्क्वायर टू बच्चों को 16, 3 बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ओके 1 प्लस 3 3 9, 9 10 और 16 10 26, यही आना है क्या. अरे सॉरी, 2 2 4 प्लस 1 प्लस 9, 9 10 4 14, ये वैल्यू फिटिंग से हो गया, वरना मेरे से तो नहीं होने वाला था. वृत्त की त्रिज्या 10.5 सेंटीमीटर है और एक चाप केंद्र के वृत्त के केंद्र पर 48 डिग्री का कोण बनाता है. 48 डिग्री है और 10.5 ये है, तो चाप की लंबाई कितनी है. अरे कोई नहीं, चाप, हाँ 2 πr, 2 × 22/7 × 10.5 का एक्स इक्वल्स टू 48/360, 12 × 48, 12 × 36, 0 2 15, इसका 7 यहाँ से हटके यहाँ पे आ जाएगा, एंड 15 ये है, तो इसका पॉइंट हटा देंगे, यहाँ पे 10 कर देंगे, 15 7 105, 7 से 7 काट देंगे, एंड यहाँ पे 2 से 5 10, ठीक है, 22 44/5 आ जाएगा ना, 5 8 40, 5 8 40, 8.8 सेंटीमीटर. फलों की मात्रा को दर्शाता है, यदि प्रत्येक फल की 25% मात्रा सड़ी हुई है और आड़ू की मात्रा 44 kg है, सुपरमार्केट में सड़े हुए संतरों की मात्रा ज्ञात कीजिए. प्रत्येक फल की 1/4 सड़ा है, ठीक है, आड़ू 44 kg है, मतलब पीच 11, 11 की वैल्यू 44 है, तो इसका मतलब 100% की वैल्यू 11 × 44 400 हो जाएगी, एंड किसकी, सड़े हुए संतरों की, संतरे कहाँ पे हैं, ऑरेंज, 36, 400 का 36%, और इसका सड़ा हुआ हो जाएगा 1/4, तो 4 से 6 चला जाएगा, 0 0 कर देंगे, 36 आ जाएगी. 6x-5 वाई है, एक्स का गुणांक वाई है, का मान ज्ञात कीजिए. ओके, खोलना पड़ेगा. ए माइनस बी का होल क्यूब क्या होता है, ए क्यूब, 216x³, हमें एक्स का निकालना है ना, तो बाकी छोड़ो, एन पचम 25 25 125, बी क्यूब क्या था आगे, -3, ए बी -3, तो 6 5 30x, हाँ ए माइनस बी, तो 6x-5, खोल देंगे इसको, और इसमें हमें एक्स वाला ही सिर्फ निकालना है, तो एक्स वाला कौन सा आ जाएगा, इसका इसमें इंटू, तो 3 3 9, 90x·5 अपना 45, 450 है, एक्स का आ जाएगा 450, तो 450 का 5 y गुणांक है ना, हाँ, 5/9, 9 × 45, 0 5 25, 250 आएगा आंसर. ओके, कुछ गड़बड़ है. ओके, +1 है, 250, 251.
तीन बर्तनों एबीसी में क्रमशः इतने 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 के अनुपात में दूध और पानी का मिश्रण है। बर्तन 12 लीटर, बीसी से क्रमशः 12, 23 और 36 लीटर। दूसरे बर्तन डी में डाला जाता है। ओके, 12, 3 1 4, 4 3 12, तो 3 3 9 और 3 9 3 12, हाँ 4 1 5, 5 6 31, तो 6 4 24 एंड 6 1 9, 6 6 4 10, हाँ 5 1 6, 6 4 36, तो 6 5 30 एंड 6 1 9 6 23 6 36, और यहाँ पे क्या निकालना है, इन सबको मिला दिया जाता है एंड दूध की मात्रा, 1 सेकेंड, दूध और पानी, हाँ तो ये मिल्क है। 9 4 13 63 आएगा, 9 4 13 3 2 5 1 6, हाँ। किसी सम बहुभुज के बाहरी और आंतरिक कोण का अनुपात, ओह गॉड, हमेशा भूलती हूँ मैं इसका फॉर्मूला, इसका क्या होता है, 180 एन माइनस 2/n शायद, और ये तो इंटरनल एंगल हो गया ना, ऊपर वाला क्या था, 360/n, एन एन कट जाएगा, 180 से 2 चला जाएगा, तो यहाँ पे 2/n-2=1/17, 17 2 34 = n-2, या चला जाएगा 36, भुजाओं की संख्या और शीर्षों में 36। एक चादर के विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य के बीच अंतर 345 है, दुकानदार चादर बेचते समय इतने रुपए का लाभ कमाया, तो विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य कितना है। ओके, 345 की वैल्यू अगर 23 है तो हमें क्या निकालना है, 100 निकाल लेते हैं, दोनों ही निकालना है, तो 5 3 15, 15 3 45, 4 15 2 30 और 4 34, हाँ ये 15 बार जाएगा, 1500 CP हो जाएगा क्रय मूल्य। ओके, 1500 से 2 हैं तो ठीक है, तो 345 5 3 8 1845, साथ में चलो ये वैसे भी हो जाता है, 345 दिया गया और इन्हीं के बीच में 345 डिफरेंस है, बिना सॉल्व किए भी हो सकता है। 1 से 100 तक की सम संख्याओं का योगफल और सभी विषम संख्याओं का योगफल क्रमशः वाई जेड के रूप में दर्शाया जाता है। वाई और जेड के सम निम्नलिखित कौन सा सत्य नहीं हो सकता है। वाई और जेड के बीच अंतर शून्य है, मतलब 1 2 4 एंड 2 3 5, 5 3 8 2 10 4 2 6 7, नहीं ये गलत होगा, वाई और जेड दोनों के गुणज, दोनों 100 के गुणज हैं, तो विषम वाले तो नहीं होंगे, तो 2 0 नहीं आ पाएंगे लास्ट में, क्योंकि 1 ऐड हो जाएगा जब लास्ट में पहले ही नंबर 1 है, तो 100 से तो जाएगा ही नहीं, तो ना तो 1 ना ही 2। जून महीने में कंपनी का व्यय इतने रुपए है, जिसमें से इतने श्रम लागत पर खर्च किए जाते हैं, इतने कच्चे माल पर, इतने विपणन लागत पर, शेष कार्यालय के किराए पर खर्च किए जाते हैं, व्यय का कितना प्रतिशत हिस्सा कार्यालय के किराए पर खर्च किया जाता है। ओके, तो यहाँ पे 1840001357 एंड 4 4 6, हाँ 0 0 7 4 11, 5 5 10 4 14 की 4, हाँ से लगाए, 1 8 1 9 6 15 और 3 18 की 8, 38, इसको किसे, 4 6 0 0 0 0 0 0 9 एंड 9 4 5 15 में 8 7 एंड इतना ही बचेगा, कितना हिस्सा, ओके 759/46 कर लो, तो जितना भी चली जाए, 46 1 जा 46 15 में 6 11 9 और 6 में 4 दिया, तो 29 2 90 कर देंगे, 4 7 28 ना, 4 7 7 6 42, 4 4 7 4 6, तो 6 बार 6 36, 3 6 6 24 और 3 29, 15 बार जाएगा, सॉरी 5 बार जाए 5 6 30, 5 6 20 और 3 23, 230 जा रहा है, वहाँ पे तो 15 आ रहा है, यहाँ पे 15 ऑप्शन में नहीं, 16.5 है, 15 में 6 गया, अरे यार 9, अच्छा हाँ 9 ही तो आएगा, 15 में 6 गया 9 एंड 6 में 4 गया 2 2 9, चलो मार्क भी देते हैं, इसको भी देखेंगे आगे। 18% प्रति वर्ष की दर से 32 महीने में साधारण, ओके 36,000 × 18 × 32/12, 12 12 3 36, ओके और क्या कर दें, 3 2 6 3 3 9, कलिंग 848 0 8, ये यूनिट प्लेस से कर सकते हैं हम लोग। जमीन के नीचे एक सीढ़ी के आधार से 10 मीटर की दूरी पर है, वहाँ सीढ़ी के शीर्ष का अन्य कोण जमीन के एक बिंदु से
बिंदु जो सीढ़ी के आधार से 10 मीटर दूरी पर है, ओके, वहाँ से सीढ़ी के शीर्ष तक का उन्नयन कोण, सीढ़ी के शीर्ष तक का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। सीढ़ी की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ओके, ये 60 डिग्री है, दूरी कितनी 10 मीटर है। तो अगर ये 10 मीटर है, 10 60 √3, तो ये 10 √3 आ जाएगी, और ये 10 √3 आ गई तो यहाँ पे 1/2 20 आ जाएगी ये। तो ऊंचाई यही होगी फिर 10 √3। ओके, एयर वी का मान ज्ञात करिए। ओके, 5 + 3 + 5 2 √15। 5 × 3 = 2, 5 × 3 = 8, और 2 तो 2 से काट देंगे और 4, 4 + √15 आ जाएगा। तो ए हो गया, ये हो गया ए, और यहाँ पे 1 हो जाएगा b, 1 to the power 7, 3 to the power 7, 5 to the power, कई कहाँ के ओफो करें। चलो ठीक है, 1 यहाँ पे तो 1 आ जाएगा, 3 में 7 को डिवाइड, +3, इसका मतलब 3 3 9 3 27, 7 7, अच्छा फिर इसमें 55 25 125 की 5, तो 1 2 3 2 5 2 7 7, तो कितना बचेगा, 7 7 49 7 63 +9 की पावर 7 क्या आ जाएगा, 9 81 9 9, एंड फिर क्या आएगा, 11 11 से 19, फिर यही सेम सेम आ जाएंगे। तो फिर से हाँ, 7 1 8, 8 5 13, 3 16, और 9 6 15, 25 25, और फिर नीचे का भी 25 25 2 50, और 0 आ जाएगा। 18 पुरुष या 30 महिलाएं किसी काम को 15 दिन में कर सकते हैं, तो 21 पुरुष 10 महिलाएं समान काम को कितने दिन में करेंगे। ओके, 18 पुरुष या 30 महिलाएं, मतलब 18 men = 30 women, तो 18/30 = women/men, 6 3 18 6 5 30, तो मतलब वुमेन द्वारा किया गया 3 दिन का काम, मतलब नहीं नहीं सॉरी, वुमेन द्वारा 3 काम किया जाएगा, मैन द्वारा 5 काम किया जाएगा। तो क्या निकालना है, इसमें 21 पुरुष हैं, तो 21 5 1 5 5 2 10, एंड यहाँ पे 10 महिलाएं हैं, 10 3 30 कितना काम कर लेंगी। ओके, अगर कितने दिनों में करेंगे ना वर्क, उल्टा होता है ना, हाँ ठीक है ठीक है, कम टाइम ज़्यादा काम, हाँ ठीक है। तो इन्होंने अगर इतना करना है, 18 5 90 30 3 90 180, तो ये 15 इधर आ जाएगा, अपॉन में x आ जाएगा, 5 3 1/180 = 3/(x)15, 9 ही 135 ना, 9 × 18 = 20 दिन में करेंगे। फालतू में टाइम लगा दिया इतना मैंने, ये कहती ए से बी तक 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, बी से सी तक 8, और सी से डी तक 6 किलोमीटर चाल, यदि ए बी के बीच की दूरी, बी सी के बीच की दूरी, क्या क्या, ए से बी और बी के बीच की दूरी = 2 × b c के बीच की दूरी कुछ, ओके, ए यहाँ बी यहाँ सी एंड देन डी, ए और बी के बीच की दूरी जो है वो बी और सी के बीच की दूरी इसके दुगनी है, और सी और यही जो दूरी है वो सी और डी के बीच की दूरी, तो यहाँ पे x/2 आना चाहिए, तो यहाँ पे 2x लिख लो, यहाँ पे 4x लिख लो फिर, है ना सिंपल। तो ये 10 की स्पीड से गया है, ये 8 की स्पीड से गया है, और ये 6 की स्पीड से गया है, तो थोड़ा सा 20 रख लेते हैं, अगर हम इसको 20 किलोमीटर्स लें और इसको 10 किलोमीटर्स कर देंगे एंड देन इसको 40 किलोमीटर्स कर देंगे, तो इसको 2 घंटे लग रहे हैं, इसको 10/8 घंटे लग रहे हैं, कुछ ऐसा करो जो डिवाइड हो जाए। ओके, ये सब नहीं ले रहे हैं, 8 × 45 होता है 40, 40 × 2 = 80, और ये 160, 160 तो जाएगा नहीं, चलो यहाँ पे 8 घंटे लग रहे हैं, यहाँ पे 5 घंटे लग रहे हैं, और यहाँ पे 160/6, मतलब 2 3 6 2 8 16 80/3 घंटे लग रहे हैं, 8 5 13, 13 3 39 +80, 8 9 10 11, 4 12 120, 119/3, इतना टाइम लग रहा है। टोटल डिस्टेंस कितनी है, 8 4 12, और 12 और 13 6 2 8 1 1 2, 280/119 3। यस,
यहाँ तो 17 आ रहा है। अच्छा हाँ, 17 सत्ते होगा ना, तो 7 17, 7 चौक 28, 0 4 तीन 12, 120 बटे 17, 17 सत्ते 119, 1 बटे 17, 7। ठीक है, एक प्रिज्म का आधार 4.5 सेंटीमीटर भुजा वाला एक वर्ग है। प्रिज्म का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल इतना है। प्रिज्म की ऊंचाई और वर्ग की भुजा के बीच अंतर कितना है? प्रिज्म की ऊंचाई और भुजा के ये हो गया क्षेत्रफल, तो इसका मतलब 4 1 26/4 = कितना हो जाएगा? ये ए है 4.5। हाँ, 1/2 इंटू ये हम एल मान के चल रहे हैं, तो एल इंटू 4.5, तो 2 2 4, 2 6 12, 2 3 6, तो 63/4.5 जो है वो एल आ जाएगी। 9 5 45, 9 7 63, 5 14, तो ये हमारी 14 सेंटीमीटर आ गई। अब यहाँ से ये हाइट निकल आएगी ना, ये 4.5/2 हो जाएगी हमारी वर्ग है, क्योंकि 4.5/2 का होल स्क्वायर 14 का होल स्क्वायर में से माइनस कर देंगे, तो अंडर रूट कर। बड़ा लंबा जा रहा है, कुछ तो गड़बड़ है। पर क्यों भुजा के बीच अंतर 4.5, और इसमें निकालना है डिफरेंस। चलो ठीक है, करते हैं इसको। अगर हम 2.25 कर दें, 2 2 4 25, हाँ तो 14 और 2 16, 16.25 × 14 7 5, और 3 2 11, 11.75, इसका अंडर रूट कर देते हैं। इसे निकालना पड़ेगा कुछ। चलो इसको यहीं पे छोड़ेंगे, पहले इंग्लिश करेंगे, लंबा हो जाएगा, कुछ गड़बड़ किया उसमें मैंने। हिट द सैक टू हिट द सैक, सो जाना, गोइंग टू बेड। करेक्टली स्पेल्ड वर्ड एबीज रेवेंसिटा, करेक्टली स्पेल्ड मैन, ये तो नहीं है, इसमें ई नहीं होता। यस, कंसीट ई आई होता है इसका, या इसका डाई हार्ट, डाई हार्ट फैन ना, डाई हार्ट। हाँ नहीं, ये दूसरा डाई हार्ट होगा। चलो, आई कैन द बर्ड सिंगिंग, आई कैन हेयर 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 द बर्ड सिंगिंग आउटसाइड हेयर इन द गार्डन। फाइनेंशियली फाइनेंशियल सिक्योरिटी इज फॉर इंडिविजुअल्स टू अचीव पैरामाउंट, जस्ट अचीव स्टेबिलिटी एंड पीस ऑफ माइंड इन देयर लाइफ। निश निश फॉर इंडिविजुअल्स, हाँ। इट इन्वॉल्व्स हैविंग इनफ सेविंग इन्वेस्टमेंट्स एंड इनकम टू एक्सपेंसिव इमरजेंसीज एंड फ्यूचर गोल्स टू कवर टू ड्रेप एक्सपेंसिव टू कवर एक्सपेंसिव, हाँ टू कवर एक्सपेंसिस बाय प्रैक्टिसिंग बजटिंग सेविंग एंड इन्वेस्टिंग इंडिविजुअल्स कैन बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग इन्वेस्टिंग वाइजली। एडिशनली हैविंग इंश्योरेंस कवरेज एंड अ प्लान फॉर रिटायरमेंट आर कंपोनेंट्स, एसेंशियल कंपोनेंट्स ऑफ फाइनेंशियल सिक्योरिटी बाय प्रायोरिटाइजिंग फाइनेंशियल लिटरेसी एंड प्लानिंग इंडिविजुअल प्लानिंग बिसाइड, साथ में अलग से। द स्मोक वेंट अप, ठीक है, वेंट अप इज फ्लोटेड अवे ऑन द हॉट मी एयर, रोनी स्मेल्ट हिज डिनर कुकिंग एंड वेंट फाइंड आउट वॉट इट वॉज, मैरी वॉज कुकिंग समथिंग ऑन द स्टोव, ब्रूनो केम इन। मैरी आर से स्टार्ट होगा, आर से क्यू या आर से पी, आर से क्यू। रोनी स्मेल्ट हिज डिनर कुकिंग एंड वेंट टू फाइंड आउट इट वॉट इट वॉज, द स्मोक वेंट अप द चिमनी। ओके, आर पी, आर पी क्यू एस। Unswerving, a synonym, ambitious, tenacious, associative. ये दोनों तो सिमिलर लग रहे हैं, लास्ट एंड फर्स्ट, बीच के दोनों में से कोई होगा, लेकिन मुझे आता नहीं, मैं नहीं लगाऊंगी। करेक्टली स्पेल्ड वर्ड कॉन्साइंस मैन्योर सुपरसीड, सुपरसीड सुपरसीड, हाँ। परसीवरेंस, वरेंस ए होता है, आर ए एन सी ई। सॉल्विंग पजल्स हेल्प्स मी
हेल्प्स मी सॉल्विंग पजल्स, हेल्प्स मी होगा, पजल सॉल्व करना हेल्प करता है, सिंगुलर है हेल्प, हेल्प्स मी स्टे मेंटली एक्टिव. एक सेकेंड, सही लगाया है. हाँ, शी सारा वॉन्टेड टू बाय समथिंग यूनिक फॉर हर सिस्टर्स इन लॉ, सिस्टर्स इन लॉ ना, सिस्टर्स इन लॉ, सिस्टर इन लॉज, सिस्टर्स इन लॉ होता है. अनफॉर्चुनेटली नेवर नॉक ट्वाइस एट एनी मैंस डोर, अनफॉर्चुनेटली नेवर नॉक्स ट्वाइस इन एनी मैन, नॉक एट डोर होता है, एट होता है, नॉक ऑन डोर, नॉक एट अपॉन द डोर, नॉक एट ना, नॉक बाई तो होगा नहीं. द जेंटल मैंस मैंस एट द कॉन्फ्रेंस, करेक्ट सेंटेंस, मैंस जेंटल मैन एट, सो जेंटल जेंटल मैन, जेंटल्स मैन, जेंटल मैन. द ओल्ड लेडी नियरली डेड फ्रॉम फ्राइट, डेड आउट ऑफ फ्राइट, डेड आउट ऑफ फ्राइट, नियरली डाइड ऑफ फ्राइट, नियरली डाइड, नियरली डेड नहीं, नियरली डाइड, नियर डाइड विद, डाइड आएगा तो डाइड के साथ में एक ही ऑप्शन है. ब्रिलियंट का एंटोनिम, अनटैलेंटेड, शाइनिंग, ऑब्जर्वेंट, इनएक्टिव, इनएक्टिव, ब्रिलियंट, अनटैलेंट. अ पर्सन हु बिलीव्स दैट ऑल इवेंट्स एंड इवेंट्स आर प्री डिटरमाइंड एंड इनएविटेबल, जिन्हें टाला नहीं जा सकता, फैटलिस्ट, सिंपल, फेट पे भरोसा. ये क्या है, प्राउस का सिनोनिम, इनेबिलिटी, एक्सपर्टीज, लेजीनेस, इनएप्टीट्यूड. ये तीन तो सिमिलर हैं, एक्सपर्टीज ही ऑड वन आउट हो रहा है, इनेबिलिटी, इनएप्टीट्यूड. हाँ, ग्लोबली द ग्रोथ रेट ऑफ 2018 वाज हाई, स्पेशली इन द यूनाइटेड स्टेट्स, रिमार्केबल इन द द चोर्स आर बींग कम्प्लीटेड बाई द चिल्ड्रेन. क्या करना है, एक्टिव वॉइस में, ओके, द चिल्ड्रेन आर कम्प्लीटिंग, द चिल्ड्रेन आर कम्प्लीटिंग द चोर्स. अ मील ईटन इन द मिडल ऑफ द डे, टिपिकली वन दैट इज लाइटर और लेस फॉर्मल देन एन इवनिंग मील. इवनिंग मील से कम मिडिल ऑफ अ डे, ब्रंच तो सुबह और दिन का मिला के होता है, ये तो शाम का और दोपहर का मिला रहे हैं. मिडिल ऑफ डे, वन दैट इज लाइटर और लेस फॉर्मल देन इवनिंग मील. मैं ब्रंच करूँगी क्योंकि यहाँ पे पॉसिबिलिटी है कि इन्होंने इवनिंग मील लंच को ही रखा. मिड मिड मील लंच करूँगी मैं. टीमिंग, एम टी एंटोनिम निकालना, टीमिंग का, ओके, एम टी एडिक्वेट, गैलोर, बम्पर, ओके, बम्पर एडिक्वेट सिनोनिम्स है एंड गैलोर का मीनिंग नहीं पता है, तो चांसेस हैं एम टी सही होगा. टीम गैलोर, चलो. द एंथुसियास्टिक टीम सक्सेसफुली लॉन्च द इनोवेटिव प्रोजेक्ट अहेड ऑफ शेड्यूल, पैसिव वाइज में करना है. टीम सक्सेसफुली लॉन्च द इनोवेटिव, द इनोवेटिव प्रोजेक्ट सक्सेसफुली लॉन्च, वॉज सक्सेसफुली लॉन्च, वॉज सक्सेसफुली लॉन्च, लॉन्च सक्सेसफुली लॉन्च बाय. हाँ, आफ्टर रिव्यूइंग द प्रपोजल द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स डिसाइडेड टू शो अप्रूवल टू द रिंग, थ्रो हेड इन द रिंग, प्ले विद डेड हॉर्स, बीट द डेड हॉर्स, गिव द ग्रीन लाइट, शो अप्रूवल. ना हो गया, पहले क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार. 98 टीमिंग एम्प्टी, भाई सब में आज छोड़ रहे हैं. हाँ, ये वाला एक बार देखते हैं. यहाँ पे था, देन अपोजिट होके इधर आया एंड ब्लैक हो गया, देन अपोजिट होके उधर गया, ब्लैंक हो गया, इधर आया अपोजिट होके ब्लैक हो गया. अब ये अपोजिट होके नीचे तो आना चाहिए, यहाँ से बीच से यहाँ आया, यहाँ से ऊपर गया, ऊपर से यहाँ गया, यहाँ से नीचे आना चाहिए. तो या तो या होगा या तो या ला होगा. अब इसको देखते हैं, ये यहाँ पे ऐसे
90 डिग्री मूव होके गया, देन यहाँ पे 90 डिग्री मूव होके यहाँ से गया, देन 90 डिग्री मूव होके यहाँ गया। अब ये 90 डिग्री मूव होके ऊपर जाएगा तो सेकंड वाला ही होगा। सही किया मैंने। फिर 14th थंडर, ये मुझे आता नहीं है। मैं थम्सअप या कोका कोला हो सकते हैं, थंडर की बात है तो आई थिंक थम्सअप ही होगा। थंडर थम्सअप। और कौन से चेक करना है? 25th। चलो इसको दोबारा नहीं करेंगे, जाने देते। तो कौन सा बचा? ठीक ही है, फालतू मैं दोबारा देखने जाती हूँ, मेरा मन मन करता नहीं। हाँ ये वाला एक बार देख लेते हैं। 1840013570064 के यहीं कुछ कर। 7 4 11 की कहाँ से लगाए? 1 4 1 5 5 10 6 14 तक चार से लगाए। 1 8 1 9 9 6 15 और 3 18 11 से लगाए 3। अब यहाँ पे 00064 से माइनस करते हैं हम तो 00 10 में 1 गया 9, 9 में 4 गया 5, 15 में 8 गया 7 और यहाँ पे 3 75900 जो है 75946 से डिवाइड कर देंगे। अगर हम कितनी बार चला जाएगा किराए पर? ओके, इसमें टोटल में से नहीं निकालना है। व्यय का कितना प्रतिशत हिस्सा? नहीं जब वे पूरे टोटल में से निकालना। 759/46। एक वन टाइम चला जाएगा, 15 में 6 गया 9 और 6 में 4 गया तो 29 और यहाँ पे भी 9 आ जाएगा। देन कितनी बार था हमारा? 6 टाइम्स और 7 टाइम्स ये वाले में था ना। 7 6 42, 7 4 28 और 4 32। ओके ये तो आउट हो रहा है। 7 6 से देखिए 6 4 36, 3 6 6 24 और 3 27, 276 आ तो रहा है इसमें। हाँ 16.5 आ जाएगा। 9 6 3 एंड 9 7 23 2 30, 5 6 30। हाँ अब क्या बचा? क्वेश्चन नंबर 75। ओके 75 खोल देते हैं। इसमें क्या आया था? 11 16 point तो आया था, कहाँ गया? हाँ ये रहा 16.25। मैं इतना बेसिक इसलिए कर रही हूँ सो दैट मुझसे गड़बड़ ना हो बिल्कुल भी। वैसे भी मैं बेसिक पे ही ज़्यादा डिपेंडेंट हूँ। 47 कहाँ से लाएंगे अब? वही गलत है। 25 5 तो एटलीस्ट आ ही रहा है और उससे ऊपर कुछ आएगा और उसमें से 4.5 को माइनस करना पड़ेगा। मुझे लग रहा है 1.5 ही आएगा डिफरेंस। कहीं कुछ गड़बड़ कर रहा है, किसी फॉर्मूले से हो जाएगा माइनस माइनस करके। फिर इसकी हो जाएगा वर्ग की बचा के बीच का अंतर कितना है? तो 4.5 है पृष्ठ की क्षेत्रफल। चलो छोड़ो, मेरे को नहीं करना है। इसका आंसर 1.5 ही होगा लेकिन कर लेते हैं क्या? और वो ज़्यादा तो आ भी नहीं सकती ना, 5 में नहीं आएगी फिर। 4.5 से नहीं ज़्यादा आ सकती है। -196 छोड़ो, नहीं करेंगे।
190 अप्रोक्सीमेटली किसका स्क्वायर आएगा? कुछ गड़बड़ हो रही है, मुझे समझ नहीं आ रहा है क्या गड़बड़ हो रही है मेरे से। कुछ कैलकुलेशन में ही मिस्टेक है, ये फॉर्मूला से हो जाएगा, बड़ा इजी क्वेश्चन होगा पक्का। चलो देखेंगे, नहीं हो रहा तो नहीं हो रहा, वैसे भी टाइम नहीं बचा है। एक बार ये क्वेश्चन देख लेते हैं। टीमिंग स्क्वायर तुक्का लगाएं? छोड़ो नहीं लगाएंगे आज, तुक्के ही नहीं लगाने मुझे। ठीक था, आज का पेपर टफ नहीं था, देखो सारे इजी क्वेश्चंस है। कराटे ये नहीं, अच्छा ये वाला गलत हो सकता है, आता नहीं। ये सही है, ये भी सही है। इसमें मुझे UNDP लगाने का मन हो रहा है, नहीं लगाएंगे। चलो एंड हो गया, चलिए देखते हैं क्या है हाल आज का। 169 आ गए हम 16 पे। चलो बड़े दिनों बाद मुझे आप, ओ शिप, क्वांट में 3 क्वेश्चंस गलत हैं। हाँ क्वेश्चंस गलत कर दिए मैंने क्वांट में। अच्छा ठीक है, समझ गई मैं, समानुपात वाला ही गलत हुआ होगा, और पता नहीं कौन से गलत हुए। हाय राम, 3 क्वेश्चंस गलत किए, एक छोड़ा है, कैसे झेलेंगे। चलो बड़े दिनों बाद इसमें 50 आए हैं, क्या ही आए हैं, बेकार पेपर था। इसमें भी ठीक है, ये दोनों डूब गए, बहुत गंदे डुबाए मैंने आज। आज मैं मैथ्स वाले मोड में भी नहीं थी, बहुत गलतियां मैं कर रही थी, क्या करूं। चलो कोई नहीं, इस टाइम पे GS ज़्यादा पढ़ रहे हैं तो मैथ्स थोड़ा सा डाउन जा रहा है, लेकिन कर लेंगे मैथ्स तो कवर कर लेंगे, अभी टाइम है। GS आज इजी थी तो इसमें कौन सा खुश होने की, 38 आ गए। वैसे भी जिस हिसाब से GS में कर रही हूँ, मेरे तो 40+ आ जाने चाहिए, लेकिन ठीक ही है। चलो बताओ, यहाँ भी 2 गलत किए हैं, वो भी तब जब 2 छोड़ के आए थे। इंग्लिश एंड मैथ्स में ये हाल नहीं झेलेगा। भाई राम, मैथ्स में 3 गलत। चलो ठीक है, हो गया है, दैट्स इट। एंड चलिए अब क्या करेंगे, पता नहीं क्या ही करेंगे, आज का तो दिन गया मेरा इसी में गया। सो चलिए, और क्या बताना था? हाँ जी, नोट्स के लिए आप टेलीग्राम लिंक ज्वाइन कर सकते हैं, मतलब टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं PYQ सीरीज़ के नोट्स। इसमें समानुपात वाला एक पक्का गलत हुआ होगा, बाकी कौन से गलत हो गए? 2 कर दी होंगी मैंने, कोई इसीलिए मिस्टेक्स कर भी रही थी आज।